हेलो फ्रेंड, लेट अस सी एक्सरसाइज ऑफ सेंटेक्स इन 10 सेंटेंस विदाउट एनी डिलेइंग। तो आज के सेंटेक्स पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सरसाइज को लिया गया है जो कि नाउन से रिलेटेड है और इसमें 10 वाक्य को लिया गया है। तो उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से वाक परीक्षा में पूछे जाते हैं और कैसे उनको हल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हुज आर दीज कैरेक्टर्स। तो अगर आपने नियमों को सही से पढ़ा है तो आप जरूर बता पाएंगे। तो आप जानते हैं कि कैटल्स नहीं होगा, यहाँ पे एस जो है उसका प्रयोग नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि कैटल का कैटल्स नहीं होता है। अगला देखते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू वर रॉन्ग। तो इसमें देखेंगे कि इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे एस जो है वो सुपरफ्लुअस है, नहीं होगा। ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां यस जोड़ देंगे, गिवन बाय यू वर रॉन्ग। अभी ये बिल्कुल सही हो गया है और यहां पर भी सही हो गया है। और इसके बाद देखते हैं आगे का अगला सेंटेंस क्या है। नंबर थर्ड पे, ही पेड हिज थैंक टू हिज फ्रेंड। तो यहां पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी कमी कहाँ पे हो रही है, थैंक्स होना चाहिए यहाँ पे। तो अब ये बात सही हो जाएगा। और इसके बाद आगे देखते हैं, द प्राइस ऑफ टीवी, टीवी मतलब टेलीविजन, वाज 4000 रुपीज। यहाँ देखते हैं, जब भी किसी नाउन के पहले संख्या दी जाती है एडजेक्टिव के पहले तो वहां पे यस का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें हमारी गलती है, यहाँ पे यस नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा ये सही हो गया है। इसके बाद देखते हैं नंबर 5, सी बॉट न्यू फर्नीचर्स फॉर हर ड्राइंग रूम। क्या किया उसने, सी बॉट न्यू फर्नीचर। तो यहां देखते हैं फर्नीचर में फॉल्ट है यहाँ पे, क्योंकि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस हट जाएगी और यहां पे हो जाएगा ही बॉट न्यू फर्नीचर फॉर हर ड्राइंग रूम, क्लियर। तो यहां पे ये हमारा सेंटेंस सही हो गया है। और इसके बाद फटाफट देखते हैं, क्योंकि समय सभी के पास ज्यादा नहीं रहता है, उसको बचाने के लिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ऑल प्रीस्ट हरी सिस्टर से पिक्चर। तो आप जानते हैं यहाँ पे डबल अपोस्ट्रोफी यूज का प्रयोग किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द पिक्चर, द पिक्चर अभी प्लूरल हो गया है, ऑफ हरी सिस्टर, ऑफ हरी सिस्टर आल प्रेज। तो यहां पे आल प्रेज को पहले जोड़ देंगे, आल प्रेज। अब यहां पे दा जो है ये छोटी बन जाएगी, यहां पे आल प्रेज द पिक्चर ऑफ हरी सिस्टर, ये यहां पे सही रहेगा। सभी ने हरी की सिस्टर की पुत्र की प्रशंसा की। आगे देते हैं, ही वॉन्टेड टू परचेज अ ब्लैक शू फ्रॉम हिज शॉप। तो देखो, ही वॉन्टेड टू परचेज अ पेयर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज, है ना, फ्रॉम हिज शॉप। ये इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। और आगे देखते हैं, ही हैव, तो यहीं पे हमारा फॉल्ट हो गया, ही के साथ हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। तो ही हैज हियर मैनी न्यूज टूडे, तो ये अब सही हो गया है, यहाँ पे हमारी क्रिया की गलती थी। आगे देखते हैं, हैव यू एवर एंजॉयड द सीनरीज ऑफ मसूरी। तो आप देखते हैं कि आपने कभी मसूरी की सीन का एंजॉय लिया है, तो आपकी सीनरी जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा, है। हैव यू एवर एंजॉयड द सीनरी ऑफ मसूरी, ये हो जाएगा।
और आगे देखते हैं कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कालिदास इज द हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारा यहाँ पे सही हो गया है। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी एक्सरसाइज थी, शायद आपको पसंद आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।